शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके देहरादून आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम गणमान्य लोग पहुंचे। इस मौके पर लाखों की तादाद में शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी पहुंचे और शहीद राजेंद्र नेगी अमर रहे के नारे लगाते हुए शहीद का पार्थिव शरीर हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। वहीं शहीद की बेटी से बात की तो उसने भावुक होते हुए अपने पिता के सपनों को पूरा करने की बात कही। बता दें कि हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी सेना की 11 गढ़वाल राइफल में तैनात थे। वो बारामूला के गुलमर्ग इलाके में भी तैनात थे। 8 जनवरी को ड्यूटी के दौरान एवलॉन्च आने से वो फिसलकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे, जिसके बाद सेना ने काफी दिनों तक रेस्क्यू किया और 15 अगस्त को शहीद के पार्थिव शरीर को ढूंढ लिया। इस संबंध में मौके पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शहीद राजेंद्र नेगी के बारे में काफी कुछ कहा। नारायण सिंह देश के लिए शहीद हुए हैं और 8 महीना लगभग उनके परिवार को प्रतीक्षा करनी पड़ी उनके पार्थिव शरीर की। अब कितना प्रताड़ना भरा रहा होगा इस परिवार के लिए। मैंने उनकी धर्मपत्नी को तब भी देखा था, मैं अस्पताल में उनको मिलने गया था, उनके पिताजी से मैं मिला था। बहुत लंबा धैर्य उनको धारण करना पड़ा, लेकिन हमारे उनके जो साथी सैनिक हैं वो उनकी देह को ढूंढ कर लाए हैं, जो 8 महीना तक लगभग बर्फ में दबी रही। हमारे उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति पूर्ण सहानुभूति है, शहीद को श्रद्धांजलि। बातचीत में सीएम ने शहीद राजेंद्र नेगी के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि वो एक वीर थे, काफी मुश्किल समय काटा था। उन्होंने साथ ही उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की।